होता है, जिंक बहुत ज्यादा होता है, और जिंक हमारी बॉडी में क्या करता है, एज अ स्ट्रेस रिड्यूसिंग विटामिन के तौर पर वर्क करता है। अच्छा, जिंक के जो सप्लीमेंट्स है वो भी अवेलेबल है, वो जो डिप्रेशन के पेशेंट है उनको रिकमेंड भी किए जाते हैं। ठीक है, तो जो जिंक है उसका बहुत अहम रोल है डिप्रेशन, ठीक है, क्योंकि ये बॉडी को काम रखता है, स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम रखता है। तो पंपकिन सीड्स या पंपकिन ऑयल भी ले सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है डिप्रेशन पेशेंट के लिए या उन पेशेंट्स के लिए जिनको टेंशन ज्यादा होती है। देन उसके बाद डार्क चॉकलेट है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हमारे माइंड को बूस्ट अप करता है, हमारी बॉडी को जो है वो स्टेबलाइज रखता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। कुछ लोग ऐसे होता है ना कि टेंशन थोड़ी सी भी लेते हैं, उनको बीपी लाइक बीपी का ज्यादा मसला है, तो उनके लिए डार्क चॉकलेट बहुत इफेक्टिव है कि इससे उनका बीपी भी कंट्रोल में रहता है और अगर वो टेंशन ले भी ले तो उनको बीपी के प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके अलावा ओटमील है, ओटमील जो है वो इसमें एक हार्मोन ये बॉडी में प्रोड्यूस करता है, सीरोटोनिन है, ठीक है। अब इस हार्मोन का क्या काम है, ये भी हमारी बॉडी में हैप्पीनेस जो है वो उसको इंड्यूस करता है, हमारी बॉडी को काम रखता है और हमारी जो है बॉडी में एक सूथिंग फीलिंग जो है वो क्रिएट कर देता है, जो कि हमें स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प आउट करती है। देन मिल्क है, जैसे मैंने सनलाइट से आपको बताया कि विटामिन डी जो है वो बहुत बेनिफिशियल है, इसी तरह मिल्क भी बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें विटामिन डी रिच अमाउंट में पाया जाता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाके बूस्ट करता है हैप्पीनेस को, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं। तो डाइट और डिप्रेशन का बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट से दिया कि बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि अगर वो डिप्रेशन या टेंशन का ज्यादा शिकार है, स्पेशली वो लोग जिनके साथ बीपी का भी मसला हो, ठीक है, कि एक पर्सन ऑफ ऑलरेडी बीपी का मसला है, थोड़ी सी भी टेंशन है उसका बीपी बहुत हाई हो जाता है, तो आप सोचते हैं कि उसको स्ट्रेच हो रही है, तो वो फिर किसी ना किसी बीमारी की वजह बन सकता है उसके लिए, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह मैंने आपको एक वेज में बताया था कि ईट हेल्थ, क्योंकि लोगों को कुकिंग का ज्यादा शौक है ना, तो वो कोशिश करें कि इस तरह की जो हेल्पफुल चीजें हैं वो अपने डिप्रेशन अपने टेंशन के दौरान या किसी अगर पेशेंट को है तो उनको भी प्रोवाइड, इससे उनका माइंड जो है ना वो हेल्पी हो जाता है, तो जब उनका माइंड हेल्पी हो जाता है ना तो वो उनकी थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाती है। तो इस डाइट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम बात पूछना चाह रही थी, बल्कि बताना चाह रही थी कि आपने बोला कि वेज में बताया आपने, तो ये तो हमारे डेली लाइफ में जो हो गया ना, तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करना चाहिए जो कुछ पॉइंट्स के, जब तक रूहानी तौर पे हम मतलब ठीक नहीं होंगे, जैसे कि आपने पॉइंट्स बताए, वेज बताए, तो उनमें से कुछ वेज आप दो हम ऐड कर सकते हैं, दिन में दो तक नमाज पढ़नी चाहिए पांच वक्त की, और जैसा कि मेरे को डॉक्टर रिकमेंड कर दे कि आपने एक्सरसाइज करें तो अर्ली मॉर्निंग में उठ जाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हम फजर की नमाज के लिए उठ जाए, तो ये पॉइंट्स कुछ ऐड कर सकते हैं मैं से। आपने बात की, आपने सेशन फुल अटेंड किया? आई डोंट थिंक सो आप फुल अटेंड करें, क्योंकि सारी चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं ये भी बता चुकी हूँ आपने वॉक करनी है, उसका क्या रोल है, मैं उसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इसके अलावा आपने नमाज पढ़नी है, अल्लाह पे तवक्कुल पक्का, ये मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि आपने वो सेशन पे बिना ध्यान ऐसा कर सके। चलो मैं आपके लिए बता देती हूँ, क्योंकि जब एक बंदे अल्लाह पे तवक्कुल साथ में, जब एक बंदा है वो ऐसे कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं कुरान पढ़ती हूँ, फिर भी मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, तो इसका मतलब है कि वो नमाज पढ़ा उसका अल्लाह पे तवक्कुल ज्यादा नहीं है, अल्लाह पे तो उसकी थिंकिंग है नहीं होता है, मतलब कि हर इंसान के लिए मुसलमान है तो उसको ये बताना जरूरी है ही नहीं कि तुम नमाज पढ़ो और कुरान मजीद पढ़ो, ये तो उसको नमाज और सुकून जैसे कुरान मजीद जैसे भी इंसान को सुकून देती है, अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया कि साथ ही कर सकते हैं, ये तो बेसिकली मुसलमान है और जीत नहीं छोड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। हाँ उसके और इसके अलावा मिस ना यहाँ पे ये भी एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि बहुत से हमें से हमारी सोसाइटी के अंदर लोग हैं, सॉरी टू से, उनके बारे में कहना नहीं चाहिए कि उनको होता कुछ भी नहीं है, सिंपल था, बस वो
जी मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे ये परेशानी है, कुछ भी परेशानी नहीं है। अगर उनका पीछे से अगर हिस्ट्री देखा जाए, स्टार्ट देखा जाए, तो कुछ भी ऐसा नहीं है। बस वो सोच सोच के, या कुछ लोगों की आदत होती है कि जो पर्सन ठीक भी है ना, उसको भी डिस्टर्ब रखना कि अगर वो ठीक है या अच्छी लाइफ गुजार है तो क्यों गुजार रहे हैं। उसको भी इस तरीके की बातें सुना के या कह कह के उस बंदे को भी, अगर वो नहीं भी है डिप्रेशन में, खुद भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो उसको तो वो जोर लेके जा रहा होता है। तो ये भी लोगों के अंदर होती है आदत, गलत ट्रैक की तरफ लेके जाना। और जिस तरह आपने डाइट के बारे में कहा, ये सारा डाइट प्लान बताया डिप्रेशन के हवाले से, तो इसमें भी ये है कि हमने इसका एक्सेसिव यूज नहीं करना कि हमें जी डॉक्टर ने कह दिया था, अपना सेशन में हमने सुना था कि ये चीजें खानी है, कि एक कठिन, एक तो इनकी सब चीजें कठिन ही लेनी और एक्सेसिव अमाउंट भी लेनी। आपने थोड़ी थोड़ी अमाउंट लें, जितनी आपको आप खा सकें, जितनी आप आराम से उसको डाइजेस्ट कर सकें। तो इस ये चीज भी बहुत जरूरी है, यहाँ पे हम अपने पार्टिसिपेंट के लिए क्लियर कर दें। और इसके अलावा एक हमारे पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन ये भी था कि मुझे ना जब डिप्रेशन होता है तो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है, यानी कि मेरा स्टमक अपसेट हो जाता है, तो मैं इसको कैसे कवर अप करूं। ये मुझे साफ मेरी मतलब सिम्टम है कि नाउ आई एम इन डिप्रेस्ड, आई एम इन एंजाइटी, हाउ कैन आई कवर इट, एंड इसके बारे में जरा बताइएगा। ये जो है ना, ये बहुत ही कॉमन है कि लोग कहते हैं कि अगर हमें कोई टेंशन, जरूरी नहीं डिप्रेशन हो, कुछ लोगों को अगर टेंशन है ना तो उनको उससे भी जो है वो स्टमक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ लोगों को जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कुछ को डायरिया हो जाता है। क्यों होता है सारा कुछ? क्योंकि जब आपका आपने टेंशन ली कोई भी, आपने स्ट्रेस दिया कोई भी, तो आपकी माइंड ने एक क्या किया है, सिग्नल सेंड किया आपकी बॉडी को। उसकी वजह से जब आपका बीपी हाई हुआ, आपके बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, तो जब आपकी चीजों में चेंजेस आती है ना, तो आपके मेटाबॉलिज्म में भी चेंजेस आती है, जो कि फूड आप कंज्यूम करते हैं आपके उसके डाइजेशन में भी चेंजेस आती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में, तभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिए कि अगर कुछ लोग अनहेल्थी जो है फूड खाना स्टार्ट कर देते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाना स्टार्ट कर सकते हैं, अपना प्रोटीन इनटेक ज्यादा कर देते हैं, तो फिर ज्यादा इसके चांसेस हैं कि आपका जो है ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर डायरिया और कॉन्स्टिपेशन के। लेकिन अगर आप वो हेल्थी थिंग रखेंगे ना टेंशन के दौरान भी ज्यादा, बल्कि आप कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में लोग इतना नहीं फोकस करते ना अपनी ईटिंग पे, बहुत कॉमन है ये। तो अगर आप डिप्रेशन के दौरान फोकस कर रहे हैं ना अपनी ईटिंग पे, कि आपने अपनी हेल्थी पे, ताकि आपकी बॉडी तो एटलीस्ट कम से कम स्ट्रांग रहे ना, देन ही आप अपनी जो है वो थिंकिंग को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। तो फिर आपने, मैंने ये फूड उसके लिए बताया है कि आपने फूड तो कंज्यूम करना ही करना ऑब्वियसली, तो आप इन चीजों को प्रेफरेंस दें। क्यों? क्योंकि ये आपके स्ट्रेस को कम करती है। बाकी फूड तो कंज्यूम आपने करना ही, एग्जैक्ट अमाउंट ये है कि आप एक बंदा है, ठीक है, अगर वो ऑरेंज, जिस तरह मैंने बताया कि आप ऑरेंजेस लें, वो कितने एक खा लेगा, दो खा लेगा, वो उसने अपनी एपेटाइट के हिसाब से कंज्यूम करना है, जितनी उसको भूख है उसने उसके हिसाब से खाना है। ठीक है, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है। ठीक है, कि जितनी आपको भूख है या जितना आप खाते हैं, जितना पोर्शन साइज आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो वो आपने अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना है। मैंने सिर्फ आपको एक फूड बता दिया है कि कौन कौन से फूड यूजफुल होते हैं डिप्रेशन के दौरान, स्ट्रेस के दौरान। Exactly. Thank you. Okay. So life is 10% what you experience and 90% how you respond to it. जितना भी अभी तक मैंने आपको सेशन दिया है, ठीक है, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड दी है, उसमें मैंने आपको यही बताया है कि आपकी थिंकिंग का मेन रोल होता है आपके पूरे लाइफस्टाइल पे, आपके पूरी बॉडी में, आपके मेटाबॉलिज्म में, जो भी एवरीथिंग जो आपसे रिलेट करती है, आपके एनवायरमेंट में, ठीक है, आपका सारा उसके ऊपर जो कहने के जो उस पर डिपेंडेंट है ना, वो आपकी थिंकिंग पे होता है। अगर आपने अपनी जो नेगेटिव रख दिया, ठीक है, तो आप हर चीज के साथ जो उसका रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव भी देंगे, किसी को सही से बुलाएंगे नहीं, उदास रहेंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हर चीज में आप नेगेटिव जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप ऑब्वियसली हर चीज को बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा, हेल्थी होगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम उसमें ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस हर बंदा करता है, टेंशन एक बंदे को आती है, हर बंदे को टेंशन आती है, अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उससे रिस्पॉन्ड किस तरह करता है। कुछ लोग अपने थिंकिंग पॉजिटिव रखते हैं, अपना करेज जो है उसका लेवल को हाई रखते हैं, और वो नेगेटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जाते, अपना टेंशन उनके ऊपर आती है वक्ती तौर पर, वो एब्सेंट रहते भी हैं, और देन उसके बाद वो नॉर्मली जो है वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और कुछ लोग कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि वो उस चीज को लेकर कहते हैं कि अब हमने जो है वो इस मुकाम पे आकर हम नाकामी का शिकार हो गए, अब हम आगे जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, और फिर वो बैकवर्ड ही मूव करते हैं, लोगों से अलग हो जाते हैं,
जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं, इतना वो अपने आप को क्रिटिसाइज कर लेते हैं कि उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं और वो जो है वो सुसाइडल फील कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी थिंकिंग जो है वो सबसे पहले पॉजिटिव रखनी है। ठीक है, जब आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगी तो आप जो भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो बैड है, ठीक है, आपको जो है वो आपने उसकी विश नहीं की है, तो आप उसके साथ पॉजिटिव अपना रिस्पॉन्स रखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगी कि दो चीजें आप अपने माइंड में रखनी है, आप कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। एक ये कि कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। आप अपनी जिंदगी में जिस भी जो है वो मुकाम पे हैं, आपका जो भी कैरियर है, आपकी जो भी फील्ड है, आप अपने आप को प्रायोरिटी दें। कभी भी दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें कि वो क्या बंदा मेरे से ज्यादा आगे है, वो जिस फील्ड में गया उसका स्कोप ज्यादा है। अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपने आप को हमेशा जो है वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखें, कभी भी आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। और दूसरा, अपने जो थॉट्स है ना उनको पॉजिटिव रखें, कभी भी नेगेटिव ना अपने बारे में सोचे ना दूसरों के बारे में। ये नहीं कि आपसे खुद स्ट्रेस में नहीं जाना, तो अपने बारे में जो अपनी अपनी थिंकिंग है, क्योंकि अपने बारे में आप सिर्फ पॉजिटिव सोचें, आपने दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचना है। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में आज से अपना लेंगे ना, कि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेंशन पर, ठीक है, ऑब्वियसली सब लेते हैं, बट वो डिप्रेशन का शिकार नहीं है। ठीक है, तो अगर आप आज से ये दो चीजें अपना लेंगे ना, तो आप आने वाली अपनी लाइफ में कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, डेफिनेटली ये बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी थिंकिंग जो है उसको नेगेटिव करेंगे किसी भी मुकाम पे और अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे दूसरे से, चाहे आप बेशक मैं आपको बता दूं हाई लेवल पे भी है ना, आपने सारा कुछ जो आप चाहते थे, आपका गोल था, आपने वो अचीव भी कर दिया है, फिर भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। बहुत कामयाब लोग भी होते हैं जो इस वजह से, कंपेयर करने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वो जो उन्होंने अचीव इतनी मेहनत से किया होता है, वो उसके लिए उसको कुछ भी उनको वो फायदा नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये दो आते हैं अपनी जिंदगी से निकाल दें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको भी ट्रिप से। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है आवाज। जी जी आ रही है, जी जी आवाज आ रही है। सेशन आई थिंक एंड है, थैंक यू सो मच। थोड़ा सैड। जी 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 एंड है मैंने कहा सर। जी जी थोड़ा सा ऐड मैं कर लूं। श्योर सर। जी जी मोस्ट वेलकम। यू माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, आपका अच्छे से एक्सप्लेन किया। और डिफरेंट क्वेश्चन थे जो एस्पेक्ट्स रोज रूटीन में हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उसको आपने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है। आई होप के मुझे यकीन है इंशाल्लाह हम सब इस पे अमल करेंगे। इंसान जब तक, अल्लाह कुरान में भी फरमाते हैं वैसे कि जब तक इंसान खुद नहीं चाहता तब तक कुछ भी नहीं होता, ये तो वन लाइन है। ठीक है, वन लाइन है। कोई बंदा बाहर से किसी को नहीं चेंज कर सकता जब तक इंसान खुद ना करे, ये तो मेरा इस पे ये ईमान है, इंसान खुद चाहता। ठीक, दूसरा यहाँ पे लाइफ मॉडिफिकेशन के बारे में था। अगर आप किसी चीज को फेस कर रहे हो किसी भी सिचुएशन में, तो आपको खुद बदलना होता है। मैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम भी स्ट्रगल करके गुजरे हैं इस लाइफ में, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लाइफ मॉडिफिकेशन और डाइट का आपने बहुत अच्छे से बताया, ये बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि सब कुछ खुद से नहीं होता। अब मैं के हमारा पर्सनल है कि मेरी फैमिली में हार्ट डिजीज और हार्ट डिजीज है ना मेरी फैमिली हिस्ट्री में, तो कुछ महीने पहले हम रूटीन चेकअप में ना, तो अपनी फैमिली का चेकअप करवाया, सो मेरा खुद का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा था, लेकिन हालांकि वो नॉर्मल रूटीन में है, बट एज बीइंग मेडिकल, ठीक है, तो खुद को होना लगा पहले, मतलब मुझे भी हो सकती है ये भी हो सकती है। जितना आप ज्यादा पढ़ते हो ना, क्योंकि मुझे, मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मुझे पता था ये चीजें मुझे कहाँ लेके जा सकती है, मेरी फैमिली हिस्ट्री भी है पॉजिटिव है, तो फिर मैं खुद परेशान हो गया ना। हालांकि वो चीज थी नहीं ना, मुझे इतना कोई शो हुआ ना, मुझे सिम्टम थे ना कुछ, बट तो फिर मैं कंसल्ट किया, डॉक्टर से किया, इवन के कार्डियोलॉजिस्ट सबसे कंसल्ट करने के बाद फिर भी ये ना, किसी ने क्या मेडिसिन बताया, किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, सबसे पहला जो था तरीका था वो लाइफ मॉडिफिकेशन थी। बर्गर खाना, हॉस्टल रहते हैं, बाहर जाना, दोस्तों के साथ हर तरफ से, मतलब हमारी डाइट नहीं ठीक थी, तो खुद से मैंने इरादा किया था कि हाँ मैं अपना स्टाइल थोड़ा चेंज करता हूँ, लाइफस्टाइल को, सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन की, कुछ भी नहीं किया। और इवन के हालांकि हमारा जब प्रॉफ होता है तो हम लोग बैठ के पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज भी नहीं होती,
उस दौरान सिर्फ फजूल चीजें हैं ये जो जंक फूड है उनको अवॉइड किया और अपनी कैलोरीज और बड़ा कम करके, तो मेरा विदाउट टू तो थ्री मंथ में मेरा सारा रिवाइव हो गया ना, इनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल, इवन कि मेरा 7-8 kg वेट भी हो गया, रिड्यूस हो गया, तो जो कि मैं वैसे जिम करने एक महीना जिम भी लगे ना तभी कोई मसला नहीं हुआ फर्क, जब तक मैंने खुद अपनी डाइट को नहीं किया। सो लाइफ मोडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरा ये कि इंसान जिस चीज की कोशिश करता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था खुशी, खुशियाँ मतलब हम लोग आजकल परेशान क्यों रहते हैं, तो एक बेहतरीन जवाब इसे कमेंट में था, खुशियाँ हासिल, खुशियाँ खुद पैदा किया करो अपने में, मिलती कभी भी नहीं है खुशी, ये जो दुनिया है ये स्ट्रगल का है, ये लाइफ जो है हमें मिली है ये स्ट्रगल का नाम है। मैं एक एग्जाम्पल सबको देता हूँ कि ये पूरी चहल पहल ये जो दुनिया बनी हुई है सिर्फ एक अजीम हस्ती हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर सब जहां सजाया गया है, जिसकी बदौलत हम लोग आज आपस में बात भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुनिया है, रौनक है। सो उनकी लाइफ को अगर आप देखें तो वो आप देख लें फिर उनकी जिंदगी में कितना ये वाला आराम था, ये जो दुनिया का आराम था, इतनी तकलीफें जितनी उनको मिली है किसी को भी नहीं मिली। सो खुशी ये नहीं होती कि ना ही सुकून ये है कि हमें दुनिया की चीजें मिले, वो अंदरूनी होता है, दिली सुकून होता है, वो रूहानी ही होता है, जो बेसिक मैम आप बता रही थी। सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ ही रुजू करना चाहिए। सो अगर हम ये जस्ट सोच लें जब भी कभी हम परेशान बैठे होते हैं कि हम खुशियां नहीं आ रही, हम किसी की बर्थडे आएगी, हम पास हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा, या किसी की शादी होगी कजन में या घर में कोई फंक्शन होगा, तो चलो फिर हम मोस्टली ये कमेंट होता है चलो शुक्र है कोई तो खुशी की खबर आई। सो हम वेट क्यों करते हैं इतना ज्यादा बर्थडे का, कामयाब है खुशी, कुछ काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो खुशी खुद से प्रोड्यूस की जाती है। तो ये जो भी सोचते हैं ना कि चीजों बाहर से कुछ लेके आएंगे या कुछ आएगा, अपने हर लम्हे को इंजॉय किया करें। अच्छा एक और दरमियान में एक और भी कमेंट से मैं उस वक्त बोला नहीं हूँ। सो नंबर वन तो लाइफ मोडिफिकेशन बहुत जरूरी है, अपनी चीजों को अवॉइड करें, जिन जिन चीजों से आप परेशान हो रहे हैं या फिर कर या अपना डाइट और वाटर इनटेक, तो जो बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जो थोड़ी देर पहले बोला जा रहा था कि टेंशन वो स्टमक खराब हो जाता है, ये हमारा पेट हो रहा है, उससे पहले हमारा पेट खराब हो जाता है, ठीक है, वो नेचुरली भी है। अच्छा ये जो है ना लोगों की बातों का ये बहुत फैक्टर है, ये इसके वो क्या सोचेंगे। दरमियान में एक मैम बोल भी रही थी जिसका हाइट टू है या कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब वो फेयर नहीं है ना, जिसका रंग नहीं है, इन चीजों के डिप्रेशन में जब बंदे को खुद व्हेन यू नो बपाले, वो बार बार हम खुद ही को पा के जो एक शेर भी है मुझे नहीं आ रहा याद अलग अलग, सो मीन के जब बंदे को अपनी वर्थ का पता चलता है तो वो दूसरी सारी चीजें मैटर नहीं करती। हमारे साथ भी बड़ा बैठा है जो जिस मर्जी पोस्ट का बैठा हूँ, अल्लाह ने हर बंदे को हर इंसान को डिफरेंट चीजें दी हुई है, जो पास है आपके पास नहीं है, जो आपके पास है। तो एक चीज जो बता रहा था बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो लोग, मैं खुद एक साउथ पंजाब से हूँ, ठीक है, सो बेसिक मतलब मैं सराइकी लोग, ठीक है, सो मैं जब लाहौर में अपना पढ़ने के लिए आया तो लोगों तो फिर वो हो जाता है ना बंदे को कि ये ऐसे लोग हैं घूमना फिरना जाना गाड़ियों में इधर उधर, सो ये डर करती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं दूसरों को देख के। हमारा घर का सिस्टम वैसा नहीं होता, बहुत सारी गर्ल्स बहुत सारे बॉयज को मैंने देखा है, मेरे सामने एग्जांपल्स भी है, हमारा घर का सिस्टम ऐसा नहीं होता, लेकिन हम दूसरों को देख के वो उन चीजों को करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, फिर वो गलत गलत चीजों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस चीज का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज ने हमें दिया हम उस पे साबित रहे, अपने आप को उसी चीज में मनवाए। सब जो शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ कोई लोग अटैच होते हैं या कुछ भी आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए नहीं,
सकता है जब तक आप अपनी एबिलिटीज अपनी बिल्कुल भी नहीं आ सकते। तो अगला देखो बंदे चाहिए, मैं अपने में चेंज लाया, मेडिकल में आया, सोसाइटीज ज्वाइन की, डॉक्टर्स की ज्वाइन की, खुद मेरा शौक था कि मैं करना है। बहुत सारे टफ हालात जिंदगी में, फैमिली में, रिश्तेदारों में हमने देखे हैं ये सारी चीजें। वहां से डॉक्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन की एज ए स्टूडेंट साउथ पंजाब से, किधर से एक बंदा ये कर रहा है, ऐसा ऐसा करता गया। यहाँ पे मेरे कोलीग भी होंगे जो इस सेशन में, उनको पता होगा कि जो डॉक्टर्स की कम्युनिटी मैंने ज्वाइन की थी स्टूडेंट्स लाइफ से। फिर वहां से आगे होते होते मतलब बताने का सिर्फ ये बात है कि पूरे पंजाब में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मतलब हम सोशल वर्क है ना, उस बेस पे मैं अकेला अगर गिव अप कर देता तो मैं क्या कर रहा था। अब अगर मैं यहाँ तक पहुंच हूँ तो उन सबकी मेहरबानी भी है जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म आज सब हर लेटर्स भी होते हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो जाते हैं। मैं गिव अप कर सिचुएशन ना कि हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म पे मैं बोल रहा था, ये भी नहीं है कि मैं अगर अगर आप लोग वैसे बना देते हैं तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती होती है, अल्लाह का हम पे करम होता है कि हम वसीला बनते हैं किसी के लिए। सो ये हमारे लिए अच्छा हो रहा है, ठीक है, ये किसी और के लिए नहीं हो रहा, ये हमारी अपनी आखिरत और बाकी चीजों के लिए हो रहा है। सो किसी भी चीज में दूसरों के साथ कंपेयर ना किया करें, ये है वो है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरा लहजा अजीब सा लग रहा होगा कि होता है ना, हम पठान होते हैं उर्दू बोलते हैं कैसे लगते हैं, सर की उर्दू बोलेगा कैसा लगेगा। सो लोग यहाँ पे बहुत करते हैं आप लोगों को ना, बट अगर मैं उन लोगों की तरह सोच के स्टेप बैक हो जाता कि साउथ पंजाब से ऐसे नहीं हो, सो आज मैं ये ना कर सका होता, ठीक है। मुझे किसी की बात से फर्क नहीं पड़ता, सेम इसी तरह जब भी आपको कोई बात करे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्यों आप लोग उनकी बातों को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं। माहौल का बहुत फर्क होता है, एक दरमियान में बात हो रही थी कि अगर घर में फर्ज करो माँ बाप अगर गुस्से वाले हैं और बच्चों और वो टॉलरेट नहीं करते बच्चे के उसका बर्दाश्त नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन ये इस तरह की चीजों में कैसे होगा। देन ये है ना कि पहले तो ये ख्याल रखें अगर आपके घर में पेरेंट्स को किसी बात पे अगर गुस्सा आता है तो वो चीज आप अवॉइड करें, आपको तो पता है ना कि इनको गुस्सा आता है तो वो चीज अवॉइड करें। अगर उनको वैसे ही हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू कर देता है तो वो किसी ना किसी चीज से कर लेते हैं तो माहौल, अब देखो उन बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, घर में एक तो स्ट्रिक्टनेस है और फिर ऊपर से पेरेंट्स, तो उनका इतनी सख्ती है तो फिर वो उसके लिए क्या ऑप्शन रहता है, ठीक हो गया। तो उसके लिए ऑप्शन ये है ना कि कोई थर्ड पार्टी, कोई अच्छा दोस्त या कोई भी रिलेटिव्स हो जो आपके साथ को लगता है कि सिंसियर है, कहीं से मशवरा मिल सकता है, तो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स या बात है वो शेयर करें, ठीक है। मैं भी हर बंदे से बात शेयर नहीं की जा सकती। सो मकसद ये होता है कि सबर भी यहाँ से है ना, बहुत बड़ी चीज है सबर भी, आप थोड़ी सी चीजों को अवॉइड कर लें घर रहते हुए भी। सो एक मेरा ये मानना भी है कि जो सबर है, बहुत सारी हम खराबियां देखते हैं, नाकामी हो जाती है एग्जाम में या किसी भी चीज में, सो वो जो ड्यूरेशन होता है जहाँ पे लोग एक स्टेज ऐसी आती है लोगों के रिलेशन में कि या चाहे वो रिश्तेदार हो या घर में या कोई भी सिस्टम हो कि वो खुदकुशी करने पे आ जाते हैं। हम यूनिवर्सिटी की अगर हम लाइफ की एग्जांपल लें तो बहुत सारे बॉयज यंगस्टर होते हैं ना, वो खुदकुशियां हम देखते हैं कि फलाने कर ली फलाने कर ली। आई थिंक वो एक स्टेज वो होती है कि जो भी मतलब आपका लॉस हुआ है, ठीक है, वो 3 to 4 or 5 डेज होते हैं जो पीक टाइम होता है जिसपे आप खुदकुशी करते हैं। मतलब मैं एक सीधा सा बताता हूँ, हम लोगों को सीधा सीधा बताएं कि आप उस दौरान बेशक सो जाओ, मैं उनको ये भी बोलता हूँ ना, आप सो जाओ, गोलियां खाओ, सो जाओ, क्योंकि मुझे पता है ये वाली चीजें कि ये नहीं है कि पिल्स लेना, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि वो लम्हा जो होता है ना जिधर बंदे को लगता है कि मैं यहाँ मर जाऊँ, मतलब खुदकुशी कर लूँ या कुछ भी, सो वो 5 days होते हैं, वो सबर कर ले बाद में। अब मैं इस सिचुएशन में हूँ ना, मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे हालात गुजरे हैं, ठीक है, रिश्तेदार में, फैमिली में, मेरी बाकी स्ट्रगल सोशल लाइफ में, बंदे को लगता है कि मैं अकेला, मतलब मैं अकेला बैठा बैठा बाहर बैठा हूँ लाहौर में, कभी किधर बैठा हूँ, कभी क्या किया है, ठीक है, बट अल्लाह ताला ने मुझे, मैं रुजू भी किया ना अल्लाह ताला से, सबसे पहला यही था, अल्लाह ने हिम्मत दी है, करते सिचुएशन है, मैं उस जिनकी
अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। सो मैं कुछ चीजें ऐसी रिलेट कर रहा हूँ, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि इस हालात से बंदा इस तरह गुजरता है, ये सिचुएशंस आती हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि आप मेडिसिन या कोई चीजों को, बट ये है कि इन हालात से गुजर के बंदा यही होता है ना कि अपना कुछ बताए दूसरों के। फैक्ट रियलिटी बेस पे सारे काम होने चाहिए, मतलब जिंदगी रियलिटी बेस पे। किसी को आप हम समझाते हैं कि नहीं ऐसा ही अच्छा हो जाएगा, आप हम अगले बंदे को समझा भी रहे हो तो रियलिटी बेस पे, उसको ख्वाब दिखा के अच्छा अच्छा दिखा के, वो बाद में फिर वैसे दुनिया उनके साथ बिहेव करती नहीं है, लेकिन वो फिर दोबारा से नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरी बातें पूरी हो गई, दरमियान में स्किप हो गया था। खैर आप कंटिन्यू करें या फाइनल करें, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो देखें, परेशान ना हुआ करें। अच्छा एक और बात थी, दरमियान में मैसेजेस भी आ रहे थे कि मियां बीवी के रिश्तों में या फ्रेंड में या रिलेटिव्स में, आप लोग देखो जिस बंदे की नेचर पोजेसिव होती है ना, केयरिंग नेचर होती है, आप खुद अच्छे हो तो इसलिए हर चीज आपको अच्छी लगती है, ठीक है? तो आप दूसरों की केयर करते हो, अगला बंदा बॉदर नहीं करता। आप मेरी अम्मा कहती है हमेशा कि ना जरूरत से ज्यादा अच्छा होना बंदे को जलील करवाता है। आप ठीक है, नो डाउट आप बहुत अच्छे हो, आप केयरिंग हो, इतना कर रहे हो रिश्तों को बचाने के लिए, इतना कर रहे हो, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए ये स्टेप भी होता है कि आप अगर आपके हस्बैंड के साथ आप कर रहे हो और आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा इतना ज्यादा, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करके अपने अपनी वर्थ को खुद बनाओ, चाहे वो फ्रेंड में हो या मियां बीवी का रिश्ता हो या कहीं भी हो, अपने आप को किसी के पाँव में इस तरह नहीं गिरा देते। रिश्तों को बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अकड़ू बन जाओ, एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दो। एक बंदा अगर एक बंदे का बिहेवियर ऐसा है तो दूसरे बंदा भी ऐसा करना शुरू कर दे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। तो आप बजाय इस तरह के जिगर थोड़ी सी बात पे वो नाराज हो जाते हैं, बजाय ये कि आप हर वक्त मनाना शुरू कर दो, हर वक्त एक छोटी सी एफर्ट होती है, आप कोशिश करो, वो नहीं मान रहे या कोई फिर भी वैसे है, फिर बस खत्म, फिर आप थोड़ा सा स्टेप बैक हो जाओ। अगला बंदा या मर्द या औरत कोई भी हो ना, वो उसका एक आदत हम लोग खुद बनवाते हैं, बार बार मना के, बार बार उनके पीछे पड़ के, इस तरह करके उनको पता है कि ये बार बार ये मेरी मिन्नत होगी, मेरे इस तरह मिन्नत ले चल होते रहेंगे, वो फिर बाद में अपना रोब वही बरकरार रहता है। थोड़ा सा स्टेप बैक होके पॉजिटिव वे में तो आप उसको कर सकते हो, कवर कर सकते हो, तो ये एफर्ट होती है, आप थोड़ी ये इसको करके तो देखें, आप फिर देखिएगा कि वो बंदा अगले बंदे को थोड़ा सा इग्नोर करो, इग्नोर करना है जस्ट, ये नहीं है कि आप उनके साथ बिहेवियर खराब करना शुरू कर दें, सो देन वो भी आपको उसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो जी मिस मिसबा और मिस हिना, डिप्रेशन में है वो सिर्फ पिल्स लिए जा रहा है, स्लीपिंग पिल्स लिए जा रहा है, उसको सुकून नहीं आ रहा, रात को वो सो नहीं पाता, तो वो पिल्स लेते हैं, मतलब क्या ये चीज उनके लिए बेस्ट है कि वो खाए जाए मेडिसिन, और क्या ये उनके हार्मोन्स पर उनकी बॉडी पर भी कोई बैड इफेक्ट शो करता है? बैड इफेक्ट बॉडी पे जो है वो शो करता है, और ये बहुत डेंजरस है पिल्स लेना। मैंने आपको जितना भी सेशन दिया मैंने कहीं भी इनका जिक्र किया ही नहीं है, बल्कि मैंने आपको कहा कि इनको अवॉइड करना है। अब अगर किसी पर्सन को जो है वो आदत पड़ जाती है, ये ना ड्रग्स की तरह होती है, अगर किसी को आदत पड़ जाए ना पिल्स लेने के स्ट्रेस में, तो वो कहते हैं कि हमें सुकून मिलता है, हमने खानी है, बट उनको ये होना नहीं है कि इसका कितना जो है वो बैड इफेक्ट पड़ता है उनकी बॉडी पे, और इसकी वजह से वो जो है वो बहुत सी डिजीजेस का शिकार हो सकते हैं, वीक फील करते हैं, और जो है वो हर वक्त जो गनूदगी की हालत में रहते हैं। अगर कोई ले रहा होगा ना पिल्स डिप्रेशन का पेशेंट, आप उसको देखेंगे कि वो गनूदगी की हालत में रहता है, एक्टिव नहीं वो बंदा कभी भी, ना वो एक्टिवली कोई काम परफॉर्म कर सकता है, ना एक्टिवली एक्ट कर सकता है, ठीक है? तो ये बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, और भी इतने तरीके हैं जो मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, आप लोग उसको अडॉप्ट करें, लेकिन ये पिल्स जो है या मेडिसिन जो है ये नहीं लेनी चाहिए डिप्रेशन के। मैम यहाँ पे थी, एक्सक्यूज मी जस्ट वन मिनट, बस ऐसी सिचुएशन एक मेरी लाइफ में भी थी, ठीक है, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ना कि स्लीप पिल्स लेना या जो बोल रहे हैं कि वाकई ही मैं अवॉइड करना चाहिए, उसका ये है कि आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है सर। अच्छा जिनका माइक ऑन
म्यूट कर दें, थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है। स्लीपिंग पिल्स की घनौदगी जो मैम बता रही है, देखें इंसान जब तक तो खुद ना चाहे नींद बंदे को आ ही नहीं सकती है। स्लीपिंग पिल्स लेने के बावजूद भी चार चार पांच पांच घंटे नींद नहीं आती, मुझे खुद को भी नहीं आई। अच्छा, फिर उसके लिए ये भी जरूरी होता है कि अगर आप किसी सिचुएशन में, जब बंदे को कोई भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं किसी बीमारी में या कुछ भी, तो उनका एक खास ड्यूरेशन होता है, या तो फिर एक ऐसा माहौल जो बंदा बीमार हो, ठीक है, उसको 8 से 10 घंटे स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद वो विदाउट इंटरप्शन नींद चाहिए होती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, वो जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तब भी नींद नहीं आ रही थी, फिर सुबह जल्दी से उठ जाते हैं, उनको उठा दिया जाता है, घर में माहौल ऐसा नहीं होता, ठीक है, शोर की वजह से फिर अगले दिन वो सारा खराब। हम, मेरे साथ खुद को भी ऐसा हुआ ना कि सारा दिन खराब, तो ये बहुत नुकसान करती है। मेडिसिन लेने से किसी को भी नहीं, सिर्फ माइंड गेम है, ठीक हो। आप अपने माइंड को जिस तरह रिलैक्स करोगे, अपनी एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटीज में कर लो, इधर उधर, मैं खुद अपने आप को मैंने बहुत ज्यादा सोशल कर लिया, ठीक हो गया। सो अब आप देख लें, सोशल होने से मुझे अभी टाइम ही नहीं मिलता किसी चीज के लिए, अपने लिए किसी चीज के बारे में सोचने के लिए। एक और बात भी होती है कि जिस सिचुएशन से इंसान गुजर के आता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं इन लम्हात को भूलना चाहता हूँ, वो जो मेरे साथ अनहोनी हुई है मैं उनको भूला। जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं भूलता, कभी भी कुछ नहीं भूलता, लेकिन आपको अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे देते हैं कि बाद में आप उस सिचुएशन के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब लोग होते हैं छोटी छोटी, घर में छोटी सी बात हुई है, वो फौरन उनका मूड बन जाता है और उनके माइंड में वो सारा दिन बात सवार रहती है। क्यों? क्योंकि वो घर में लाड प्यार से रहते होते हैं, इसलिए उनको बाकी बाहर की चीजों का, हालात का पता ही नहीं होता ज्यादा। इसलिए जब इंसान एक सिचुएशन से गुजर रहा है, सब्र कर रहा है, हालात से गुजर रहा है, बाद में वो इतना एक किस्म का ढीठ बन चुके होते हैं कि उनको इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें होती हैं, वो असर ही नहीं करती। सो ये इस तरह एक है। सर मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी जब तक इंसान अपना माइंड चैनलिंग करता है सोने का, तो वो नहीं सो सकता, तो ये आपके पास बिल्कुल ठीक है कि ये मैंने तभी आपको ये सारे वेज एक्सप्लेन किए हैं कि मैंने कोई टाइमिंग नहीं मेंशन की कि आपने इसी टाइम पे इस वे को जो है वो आपने अपनाना है, इस टाइम पे आपने काम करना है। अब एक पर्सन है जिस तरह सर ने बताया कि इस तरह नहीं नींद आती, ठीक है, आप पिल्स ले रहे हैं, पिल्स आप पहली बात ले ही ना, अगर आप ले भी रहे हैं आपको फिर भी नहीं नींद आ रही, तो मैंने आपको जब आप फारिक लेटते हैं, फारिक बैठते हैं ना, ठीक है, अलग होके, तो आप तब आपके जहन में नेगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं, ठीक है, आपने अपने आप को बिजी रखना है। मैंने आपको जितनी भी वेज बताए उनमें से कोई भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने लाइक अगर किसी को स्केचिंग में इंटरेस्ट है ना, तो अगर आपने आपको नींद नहीं आ रही आप लेटे हैं, तो बजाय इसके कि आप लेट के नेगेटिव सोचें, वो आपके नेगेटिव, उसके बाद आप रिस्पॉन्स पे नेगेटिव ही करेंगे और आपके बॉडी पे भी वो बहुत इफेक्ट करेगा ना बैडली। आप क्या करें कि आप पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आपका जो है वो इंटरेस्ट है स्केचिंग, आपका जो है इंटरेस्ट है, आप उसी वक्त स्टार्ट करते हैं, आपकी बात अजमाई हो गया कि आप फील करेंगे मैंने खुद इस चीज को जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मैं, क्योंकि जब भी मुझे कोई टेंशन होती है ना या कोई स्ट्रेस होता है, क्योंकि ये डेली लाइफ में होता है, नॉर्मल है, ये हर बंदे को होता है, तो अपना ध्यान आप उस चीज से हटाने के लिए कभी भी अपने आप को फारिग ना रखें, ना फारिग बैठे, ना इस तरह से फारिग लेट जाए आपको नींद नहीं, आप वो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है ना आप उस काम में अपने आप को बिजी कर लें। ये आजमाई हुई बात है कि आपकी जमीन से बात भी निकल जाएगी, आपकी वो टेंशन भी खत्म हो जाएगी, आपका जो है वो ध्यान बिल्कुल दूसरी तरफ लग जाएगा और आपका जो है वो फिर नॉर्मल जो है वो लाइफस्टाइल हो जाएगा। लाइक अगर आपको नींद नहीं आ रही, आपको स्केचिंग में इंटरेस्ट है, आपने वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली विद इन 1 to 2 hours जो है वो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपना ध्यान किसी चीज की तरफ लगा दिया है और आप कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं कर रहे, और इससे जो है वो अगर आप क्या करेंगे कि लेटे रहेंगे, नींद नहीं आ रही, आप उठ के कोई अपना जो है वो इंटरेस्ट जिसमें वो काम भी नहीं कर रहे, बिल्कुल लेट गए और अब आप सोचे जा रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको नींद आएगी भी नहीं, उससे आप और ज्यादा टेंशन लेंगे और आप फिर यही होगा कि मैं मतलब कि ना जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, इस तरह के नेगेटिव थॉट्स लोगों को आते हैं, ठीक है, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपने क्या करना है, अपने आप को बिजी रखना है, बेस्ट वे है। बिजी आपने किस चीज में रखना है, उस चीज के लिए रखना है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसका आपको फायदा भी हो, ना कि आपने अपने आपको किसी ऐसे काम में बिजी रख लेना है कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो, ठीक है, तो ऐसे काम में अपने आपको बिजी रखें जिसका आपको फायदा भी हो और उससे जो है वो आपकी टेंशन भी खत्म हो, आपका स्ट्रेस भी कम। बिल्कुल ठीक है मैम। और समटाइम ये होता है कि मैं वो ना जस्ट माइंड सेट किया होता है कि ये मेडिसिन लेने से मुझे आराम आ जाएगा, हालांकि ऐसा होता नहीं है। बहुत से लोग हमारे मतलब हम घरों में भी देखते हैं कि मुझे हेडेक है या मुझे एब्डोमिनल पेन है, कुछ ऐसे इशू, बस माइंड सेट होता है कि मैं ये पेन किलर लूंगा तो मुझे आराम आ जाएगा, ये सिर्फ उन लोगों का माइंड सेट हुआ होता है। ऐसे ही जो डिप्रेशन पेशेंट होते हैं उनका भी
एक उनका माइंड सेट होता है कि ये मैं जब टैबलेट ले लूंगा तो मेरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, वो सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे होते हैं, लेकिन वो मेडिसिन भी उनको कोई भी फायदा नहीं दे रही, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ले रहे होते हैं। जी, ये एक एक्सपीरियंस मैं बताऊं, मतलब इसलिए वो कहते हैं कि आपका जो मुर्शिद हो ना या फ्रेंड हो या कोई भी बंदा हो ना, सिंसियर होना चाहिए कि आप किससे मशवरा ले रहे हो। आजकल के हालात में मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, लाइक एक एज ए डॉक्टर या जो हमारे साइकोलॉजिस्ट है कुछ भी, वो ये फैक्टर जरूर होता है, मैं ये मेडिसिन लूंगी चाहे वो जो मर्जी हो, ठीक है, उनको नहीं पता होता ये क्या है, मैं ये लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मतलब नींद आएगी या मैं ये लूंगा, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, मेरे सामने भी आए हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे पता होता है बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि जिनका सिर्फ वहम होता है, वरना होता कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना बजहर सिम्टम होते हैं, ना बुखार होता है, ना कुछ होता है, मेरी ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। उन लोगों को मैं फिर ये उनके माइंड को पढ़ के उनको मल्टी विटामिन की टेबलेट दे, मैं बता देता हूँ, रिकमेंड कर देता हूँ, ये आप ले लो, उनको पता है ना ये पेन किलर है कुछ, मुझे पता है ना कि मैं उनको क्या दे रहा हूँ, उनको बस ये है कि मैंने मेडिसिन लेनी है, मुझे ये होता है जब भी मैं ये चीज लेती हूँ मैं ठीक हो जाती हूँ। तो फिर मैं उनका अल्टरनेटिव उनको इस तरह की चीजों में लगा देता हूँ, कुछ चीजें जो उनके लिए भी बेनिफिट हो। चलो वैसे भी हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं होती, सो उनको कोई भी मल्टी विटामिन कैल्शियम बता दो, कुछ भी बता दो, तो ये भी एक फैक्टर है जो आप बता रही है ना, ये वाकई में ऐसा है कि उनको, तो ये हम लोगों का काम है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिन चीजों का हमें आइडिया है, हमें सीना बात करिए, आप है, जैसे हम ये एक डिबेट चल रही है, ये हमने उनको लेके जाना है कि किस वे में उनको हमने उनका माइंड। इम्पोर्टेंट बात कि जिन लोगों को घर में बातों की वजह से छोटी छोटी बातें, बहुत सारी चीजें भी मेरे सामने आई हैं कि घर में ये बात होती है, वो सारा दिन सवार करके बैठ जाती है, मेरी अम्मा ने मेरी अब्बू ने ये क्यों बोला, क्योंकि घर में लाड़ प्यार से रहते हैं तो वो छोटी चीजें उनको हिट करती हैं। ये थोड़ा सा हमारा पेरेंट्स का भी होता है कि उनको भी ट्रेनिंग अपने बच्चों को देनी चाहिए इस तरह से, लेकिन जब वो थोड़ा गुस्सा करते हैं उनके दिमाग पे सवार हो जाती है। सो खुदा के वास्ते घर की बातों को, घर में माँ बाप बहन भाइयों के अलावा तो कोई रिश्ता है ही नहीं जो सिंसियर हो, इनकी बातों को तो हजम कर लिया करो। मैं अभी तक घर में जाऊंगा तो मेरी अम्मा मुझे कहेंगी सारा दिन मोबाइल पकड़ के बैठे हो, ये वो फलां फलां, इतनी सारी बातें, कैरियर पे कुछ नहीं है, फलां कुछ नहीं है, ये नहीं है, मैं अभी तक बातें सुनता हूँ, तो फिर आप लोग इस तरह क्यों इन चीजों को लेते हो कि ये तो फिर घर में रूटीन है ना, घर में कोई काम कर रहे हो, ठीक, समटाइम ऐसा भी होता है कि काम अम्मा जी कर रही होती है, ठीक है, वो बातें बच्चों को सुननी पड़ जाती है, पेट में दर्द सर में दर्द अम्मा को होता है, अम्मा को सर्दी लग रही होती है, बच्चों को कंबल पहना देती है, वो फैक्टर, वो तो घर में इन चीजों को तो आप देखे ना, इस घर की बातों को तो आप रह नहीं देना, बाहर का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे कौन लोग हैं जिनकी वजह से आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस ही ना दो, बाहर में जाए सारे, अपने अपनी वर्थ देखो कि दूसरों की बातों को आप लेके वो करना शुरू कर दे, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। समटाइम देखो एक हमारे डॉक्टर है, कॉमन सेंस की बात है, यहाँ लाहौर के डॉक्टर है, वो जो मोटिवेशन स्पीकर भी बने हुए आजकल, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे गलत बात पे गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है मुझे, गलत, ये मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। फर्ज करो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं ठीक बात कर रहा हूँ, आपको गुस्सा क्यों आएगा ठीक बात पे, आप मैं एक बात सही कर रहा हूँ और आप गुस्सा करना शुरू कर दो, मैं तो बोलूंगा ये पागल हो गया ना, ठीक बात पे तो गुस्सा किसी बात ही नहीं है ना, बात तो आप गुस्सा ही गलत बात पे आता है और बर्दाश्त भी वही करनी होती है। आप जो मैं गलत बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया, आपने मुझे जवाब दे दिया तो क्या हो गया, मतलब आपस में तलक कलामी हो जाएगी, जैसे से जैसे यही हो जाएगा ना, सो इसके इससे क्या मिलेगा आपको, तो उसका फायदा भी नहीं होना। बर्दाश्त बहुत बड़ी चीज है, आप सबर कल इग्नोर कर दो, आप मुझे इग्नोर कर दोगे अगली बार मैं वो हजार बार सोचूंगा कि मैंने ये बात करनी है नहीं, जब आप लोगों को रिएक्ट करते हो उनकी बातों का, फिर अगले लोगों को शय मिलती है कि चलो ठीक है इसका असर तो हुआ। जैसे रिश्तेदार है आजकल हमारे सो कॉल्ड, आप लोगों के अच्छे होंगे, खैर मेरा तो बैड एक्सपीरियंस है, बट ये है कि वो उनको पता है कि ये लोग इन लोगों की ये कमजोरी है, ठीक है, वो हिट करते हैं बार बार उधर ही, पर मतलब ये है ना कि गैरों को तो नहीं पता होता कि कहाँ दिल दुखता है, अपनों को ही पता होता है। सो मेरे रिश्तेदारों को पता है इन चीजों को यहाँ हिट करते, मैं उनको बोझ ही नहीं करता, वो अब ये है कि वो जो चीज हिट कर रहे थे और मैं रिएक्ट करूँ, वो तो उनका मकसद पूरा हो गया, मैं रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है, तो आप लोग रिएक्ट ही ना करो, क्या क्या होता है, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई भी नहीं कर सकता, जो चीज आपके पास है वो आपकी है, ना कोई आपसे छीन सकता है, ना कोई आपको एक्स्ट्रा दे सकता है, देता तो खैर कोई भी नहीं है आजकल। सो ये छोटी सी बातें हैं, सिर्फ रूल सेट कर लो, जिंदगी आसान, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना माइंड सेट कर लो, लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दो और अपने आप। बस एक पॉइंट, मैं ये भी मेरी कोशिश होती है, इतने सारे हालात वाकियात के बाद अपनी लाइफ का वन पॉइंट एजेंडा मैंने सेट किया था, वो ये था कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना मिले, कोशिश किया करो आप लोग भी, इनिशिएटिव ना हो, ठीक है, मेरी जात, मैं कोशिश करता हूँ मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो, ना जबान से, ना सोच से, ना कुछ,
तो जब आप इवन अपनी सोच से भी ना दो किसी को तकलीफ, इस किसी के बारे में सोचते हो हसद ही हो गया ना, जाके थोड़ी ना कुछ होता है, हसद और ये चीजें यही होती है। तो आप लोग अपनी सोच से, अपने हाथ से किसी को तकलीफ ना दो। किसी की बात का मैं असर लेता ही नहीं हूँ, मतलब जो मर्जी बोले, किसी को राइट भी नहीं होता कि वो मेरे साथ बुरा करे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं। बस सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा काम सेट कर लो, किसी को तकलीफ नहीं देनी और किसी की बात का असर नहीं लेना, बस वहां की जिंदगी सुकून। बहुत सारे आप लोग हार्टी तब होते हो जब आप अपने अपने फ्रेंड्स, जिनके एक आसो ऐसे भी लड़के और दोस्त होते हैं, खैर यूनिवर्सिटी में आज मैंने इसका हर काम में, हर लेक्चर में मैंने काम किया, असाइनमेंट बना के दी, जब मैं खुद मुश्किल में, जेन्युइन मुश्किल में थी, फलाम मंदी ने मेरी असाइनमेंट बना के नहीं दी, मैंने इसको मुश्किल में काम ही। भाई आप एक्सपेक्ट कर ही क्यों रहे हो, आपका काम है आप अच्छा करते जाओ, उसके बाद अगर किसी फ्रेंड, क्या पता वो वैसे नहीं बना के दे रही है, वैसे ही मतलब ही है, जो मर्जी है, आपको एक्सपेक्टेशन है ही क्यों। आप लोग तब ही नीचे जाओगे जब आप बेशक अपनी क्लोज फ्रेंड हर राज शेयर करते हो, लेकिन एक काम नहीं करके देखे, असाइनमेंट नहीं बनाई, फिर आपको तो वही आ गया, मैंने इसके लिए अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करके इसके लिए इतने काम किए हैं, बट जब मुझे जरूरत पड़ी है, जेन्युइन जरूरत ही मेरे, मैं बड़ी बिजी थी लेकिन मेरे काम नहीं कर सकी है, तो वो नहीं कर सकी, तो ठीक है, आपको राइट तब भी नहीं है कि आप उसके साथ कोई वो करो, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, सबके साथ अच्छा करते जो RSC में, और ऐसा आप बिलीव करो कि एक्सपीरियंस है ना, मेरे बहन भाई हैं, मेरे RSC में लोग भी हैं, मैं अपनी फैमिली का बता रहा हूँ, मी अबू से मैं सब कुछ, मैंने सबको एक लाइन में ट्रीट किया हुआ है, जितनी इंपॉर्टेंस उनके मैसेजेस, उनकी कॉल की मैं करता हूँ, मैं हर बंदे को वैसे ट्रीट करता हूँ, और अगर मैं बिजी होता हूँ तो मैं सबके लिए बिजी हूँ, चाहे मेरे घर में कॉल आ रही हो, जिसकी कॉल आ रही हो, मेरे से नहीं अटेंड होती। तो जब मैंने अपने, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं जब अगला बंदा मेरे बारे में ये सोचे कि सारा दिन ऑनलाइन रहता है, तब ये रिप्लाई नहीं कर रहा है, या पता नहीं क्या है ये, वो इग्नोर कर रहा है, वो उसका उसका अपना गेम है, ठीक है। मैं हर बंदे को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं हूँ, मुझे अपना पता है कि मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोगों को अपना, जो हर बंदे को खुश कैसे करोगे, सोशल वर्क है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं रात को जब भी सो सारा कवर करके सोता हूँ, ठीक है, मेरे घर से भी कॉल आ रही हो, कुछ भी हो, जब मैं बिजी, मेरे से नहीं होता है। सेम इसी तरह आप लोग भी देखो किस किस को खुश करोगे, अपने आप को देखो और अपनी चीजों को देखो, सब कुछ सेट हो जाएगा जी। इतना कुछ हम बोल रहे हैं तो आप लोगों को इतना टाइम ले लिया, सॉरी फॉर दिस। कुछ चीजें हैं जो मैं खुद आप लोगों के बिहेवियर से भी सीख रहा होता हूँ, आप लोगों से सीख रहे होते हैं, इंसान तो हर वक्त स्ट्रगल में होता है पूरी लाइफ, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बर्दाश्त किया, स्पेशली मिस एना, मिस मिसबा और हमारे ऑडियंस, तो आप ज्यादा टाइम ले लिया, हालांकि इतना टाइम था नहीं तुम्हारा, तो इसके लिए माजरत। कोई है हमारे साथ, किसी ने कुछ बोलना हो, जी बोल, यस सर जी, सॉरी फॉर दिस, इतना टाइम ले लिया और आप कर ले, कंक्लूड कर ले और एंड कर देते हैं। एक क्वेश्चन भी आया हुआ है आपके लिए ग्रुप में, यही कहकर करूँ कि अपने आप थिंकिंग पॉजिटिव रखें, थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखेंगे, डिप्रेशन के अलावा आप और भी बहुत सी जो बैड हैबिट्स हैं उनसे भी बच जाएंगे, डिप्रेशन से भी बच जाएंगे, आपका लाइफस्टाइल भी हेल्दी होगा। तो मेन चीज जो है वो ये है कि आप अपनी थिंकिंग हर पर्सन के लिए पॉजिटिव रखनी है, चाहे किसी का आपके साथ बिहेवियर अच्छा है अच्छा नहीं है, हर बंदे की अपनी थिंकिंग होती है, आप किसी के थिंकिंग को नहीं बदल सकते, ठीक है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको बता सकते हो कि ये ठीक है ये गलत है, लेकिन आप उसकी थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे आपको पूरा सेशन दिया है, इसमें से बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने मेरी बातों से मोटिवेशन ली होगी और ठीक
ठीक है, तो हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनको जो है वो एक राइट वे जरूर दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर चल सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा मेन मकसद था। आपको मैंने सारा जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आप डिप्रेशन जो है उससे बच सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को कर चल सकते हैं। ठीक है, तो अपने आपने थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव रखनी है, किसी भी आप लाइफ में किसी भी जगह पे कभी भी एक ऑलमोस्ट आपने कभी भी अगर आप इस लेवल पे आ गए हैं या आपका एक नाम बन गया है ना, तो आपने कभी भी अपने आप को दूसरों से जो है वो कंपेयर करके ये नहीं करना कि मैं इससे ज्यादा अच्छी पोस्ट पे हूँ, या ग्रोन नहीं करना है कि ये कह गए आप। ये लोगों में बहुत पाया जाता है कि जब वो एक लेवल तक आ जाते हैं ना तो उनसे ग्रोन आते हैं, आपके बाद तो आप जिस स्टेज पे होते हैं ना फिर आप उसे नीचे ही जाते। आप ठीक है अपने आप को प्रायोरिटी दें, ठीक है, आप कोशिश करें हर काम में अपना बेस्ट देने के लिए, अपने दूसरों से कंपेयर करें, क्योंकि ये नहीं करना कि मैं इससे ज्यादा अच्छा हूँ साथ अच्छा ना हो। ठीक है, इससे भी बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर चलें, दूसरा जैसे भी सोचता है जैसे भी करता है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी अपनी चीज पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वे में चलें। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। किसी का क्वेश्चन हो तो कर लें, फिर हम वाइंड अप करते हैं। आई थिंक मिस अनीशा कोई क्वेश्चन करना चाह रही थी। अनीशा आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सॉरी आपकी आवाज नहीं आई। मेडिटेशन इफेक्टिव है, अगर ये इफेक्टिव है तो उसके बारे में थोड़ा गाइड करो। मेडिसिन का पूछ रही हैं आप? मेडिटेशन इसमें मुझे आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। इनका क्वेश्चन जो है बेसिकली ये मेडिटेशन के बारे में पूछना चाह रही हैं कि हम मेडिटेशन के थ्रू किस तरह डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। आप मैं तो ये कहूंगी कि आप अपना लाइफ स्टाइल हेल्थी रखें। जब आप अपना लाइफ स्टाइल जो है वो हेल्थी रखेंगे तो फिर आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अपने आप को आपने जो है वो पॉजिटिव वे में लेकर चलना है, अपने आप को जो है वो कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचें। ठीक है, और अपने आप को जो है वो आपने मतलब कि अपने ऊपर अपना जो है वो कंसंट्रेशन रखें। ठीक है, बजाय इसके दूसरों से कंपेयर करें, क्योंकि जब आप अपने आप को पॉजिटिव वे में लेकर चलते फिर आपको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, ये आपको तब आप इन सब चीजों की तरफ आपका रुझान होता है जब आप जो है वो दूसरे लोगों को देख के ख्वाहिश करते हैं कि मैं इसके जैसा होता, मैं इसके जैसा होता हूँ, मुझसे ज्यादा आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आप अपने बेस्ट वे में चल रहे हैं। ठीक है, अपने एफर्ट्स अपनी जो है उनको इंक्रीज करें, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें, तो आपको जो है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच मिस सेना। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओके, स्पेशल थैंक्स टू आरएससी एंड थैंक यू सो मच मिस सेना फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स लॉर्ड सरस्वत फॉर योर नाइस वर्ड्स, आपने बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया लास्ट में। और पर्सनल एग्जांपल के थ्रू जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव भी होता है और हमें वो चीज जल्दी और ज्यादा अच्छी भी समझ आ रही होती है। और जिस तरीके से मिस सेना ने डिप्रेशन और एंजाइटी का डिफरेंस बताया, उनकी टाइप्स को डिफाइन किया, कॉजेस बताई, सिम्टम्स बताई और बेस्ट वेज टू रिमूव जो बताए, और इसके बाद जो हेल्दी डाइट बताई है, अगर हम इस पर एक्ट अपॉन करते हैं तो होप सो अगर हमारे ये डिप्रेशन है
तो ये खत्म हो जाएगा। अगर नहीं है तो इन चीजों के बारे में हम अवेयर हो गए हैं, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हमारे अंदर क्रिएट भी होने लगती है तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि लास्ट में जो मैं अपने आपको एक थोड़ा सा मैसेज देना चाहूंगी वो ये है कि आप अपनी जात को जो है इम्पोर्टेंस दें। यू आर ब्यूटीफुल, यू कैन डू एवरीथिंग इन एवरी सिचुएशन एंड यू आर द बेस्ट। आप अपनी मोटिवेशन खुद हैं, आपको किसी मोटिवेशन की तब तक जरूरत नहीं होती जब तक आप अपने जात के साथ सिंसियर होते हैं और अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होता है। इसीलिए तो अलाम इकबाल कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो कोशिश ये करें कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कभी भी किसी का बुरा भी ना करें। हमेशा अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करें, जिस तरह हमारे अभी स्पीकर ने हमें फायदा पहुंचाया कि उनको हमसे कोई गर्ज नहीं है। हमारी सोशल मीडिया जो टीम है आरएससी की, उनको हमसे किसी से कोई गर्ज नहीं है। मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ दूसरों के काम आना, दूसरों को भलाई पहुंचाना। तो हम भी अगर अपनी जात का ये मकसद रख लेंगे तो कभी भी हमें कोई भी परेशानी जो है वह नहीं घेरेगी। इसके बाद ये है कि मेन जो चीज है इसमें जो लास्ट मैसेज हम सब के लिए है कि वो है अल्लाह से अपना ताल्लुक जो है वो जोड़ लें। क्योंकि जब हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ होता है तो हम कभी भी मायूस नहीं होते, और मायूसी वैसे भी एक कुफर है, और कुफर क्या होता है, हमें गुनाह की तरफ ले जाता है। तो जब हम गुनाह की तरफ चले जाएंगे तो फिर कभी भी हम राह रास्त की तरफ नहीं आ सकेंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि जिस तरह आयशा आपने सवाल किया था कि मेडिटेशन किस तरह करें, मेडिटेशन स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, जो सुसाइड के बारे में बातें आ रही हैं, जो कोई किसी ने आपके साथ बुरा किया है या आपने किसी से एक्सपेक्ट किया था आपको वो रिजल्ट नहीं मिला, तो वो चीजें पहले खत्म कर दें। अपने माइंड को रिलैक्स करें, सिर्फ और सिर्फ अपना कनेक्शन अल्लाह की जात से जोड़ें। और मेडिटेशन जब स्टार्ट करते हैं, जब हम मराकबा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो वो स्टार्ट जो है थोड़े से टाइम पीरियड से लें। आप 3 मिनट्स लें, उसको बढ़ाते जाएं, फिर 4 मिनट्स करें, फिर 5 मिनट्स करें, फिर 7 मिनट्स करें। लेकिन जरूरी क्या है, कंटिन्यूसली उसको जारी रखें। ये नहीं कि एक दिन किया 4 दिन बाद फिर कर रही हैं। आप एक दिन करें, दूसरे दिन करें, लेकिन कंटिन्यूसली जब करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और दूसरा ये है कि ओवर थिंकिंग से बचें, फजूल सोचें अपने दिमाग में ना लाएं। मतलब ये तमाम चीजें हम अपने इस तमाम चीजों पर जब अमल कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अल्लाह ताला आपको सिचुएशन से निकाल देते हैं और आपको द बेस्ट भी अदा करते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सेशन जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसे सेशन जो है आप लोगों के लिए कंडक्ट करते रहें ताकि हमारी सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और पर्पज यही है कि अल्लाह की रजा। और लास्ट में यही वर्ड्स हूँ कि हमें भी आप सब लोग जो है अपनी दुआ में याद रखिएगा कि हमारे जो पैटर्न है, हमारे जो CEO है, इन तमाम प्रेसिडेंट हैं, और जो हमारे स्पीकर हैं, जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अल्लाह ताला इन तमाम लोगों को इसका अजर अदा करें और हमें ऐसे ही काम करने की तौफीक अदा करें। जज़ाकअल्लाह। Thank you.